नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर कोई सरकारी अमीन आपकी ज़मीन पैमाइश के लिए आता है, ज़मीन पैमाइश करके जाते हैं और गलत ढंग से ज़मीन की पैमाइश कर देते हैं, तो इसकी शिकायत आप कहां करेंगे? तो दोस्तों, इसको जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ज़मीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपके क्षेत्र में या फिर कहीं भी अगर कोई अमीन अंचल से जाता है और ज़मीन की पैमाइश करते हैं, अर्थात सरकारी अमीन कोई जाता है और ज़मीन पैमाइश करते हैं, मतलब ज़मीन की मापी करते हैं, तो मापी तो कर देते हैं, लेकिन अगर वे ज़मीन गलत ढंग से पैमाइश कर दिए हैं और आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मेरे ज़मीन को जो है गलत ढंग से वो पैमाइश किए हैं, तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। इसकी शिकायत आप अंचलाधिकारी के पास कर सकते हैं, अर्थात सीओ साहब के पास आप आवेदन दे सकते हैं। अगर वे मतलब उस आवेदन को प्राप्त करने से इनकार भी कर देते हैं, तो उसके आगे की प्रक्रिया में भी आप जा सकते हैं। उसके आगे की प्रक्रिया है, DCLR महोदय के पास आप आवेदन दे सकते हैं। अगर सीओ साहब आवेदन को रिसीव नहीं करते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं, तो आगे जो है आप DCLR के ऑफिस में जाकर आप आवेदन दे सकते हैं। तो ज़मीन पैमाइश कोई भी अमीन करता है, हालांकि वे ईमानदारी पूर्वक करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर गलत पैमाइश कर देते हैं, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।